इस देश में सबसे आसान, सरल और सहज काम है हिंदू देवी देवता का अपमान करना। उनके खिलाफ कुछ भी आप बक लीजिए, उनका मजाक बना लीजिए, उनपे टीका और टिप्पणी कर लीजिए, आप पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। अगर कठोर कार्रवाई होती, सख्त कानून होता, तो फिल्मों से लेकर कॉमेडियन तक हिंदू देवी देवता का मजाक नहीं बनाते, समय समय पर उन पर कोई गलत टीका और टिप्पणी नहीं करते। लेकिन क्योंकि सख्त कदम उठाए नहीं गए, इसलिए समय समय पर कॉमेडियन हो, फिल्मों में हो, उनके खिलाफ जमकर मजाक बनाया जाता है। अभी बीते दिनों फारूकी मुनव्वर ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता पर मजाक बनाया। हालांकि सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध हुआ, लोग आक्रोशित हो गए, गुस्से में आए और फारूकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने मांग की। फिर उसके बाद प्रशासन जागा, पुलिस जागी और फारूकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद अभी कुछ दिन बाद संजय राजौरा नाम के कॉमेडियन आते हैं और उन्होंने भगवान शिव और भगवान गणेश का मजाक बना दिया। क्योंकि फारूकी पर बहुत सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी, बहुत कठोर कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए हिम्मत कर पाए, हिम्मत जुटा पाए संजय राजौरा। और संजय राजौरा ने भगवान शिव और गणेश के लिए ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सर्जरी जो है सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो भारत में, इसलिए भारत को प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कारक कहना चाहिए, भारत को प्लास्टिक सर्जरी का श्रेय देना चाहिए। संजय राजौरा ने कहा कि प्रधानमंत्री की बात से मैं भी इनकार नहीं करता, वास्तव में भारत को प्लास्टिक सर्जरी का श्रेय जाना चाहिए। फिर संजय राजौरा ने यहाँ मजाक बनाते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा कि कम से कम जो सर्जरी कर रहा है वो गांजा और भांग खा पी कर तो सर्जरी ना करे, ऐसा ना करे कि आदमी के सिर पर कोई जानवर का सिर लगा दे, ऐसी सर्जरी ना करे कि किसी आदमी के पैर की जगह पर किसी गधे का पैर लगा दे। संजय राजौरा ने जब ये मजाक बनाया तो वहाँ पर जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग थे वो मुस्कुरा रहे थे, वो ठहाके लगा रहे थे, उन्होंने संजय राजौरा का कोई विरोध नहीं किया। हालांकि शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई और उस कार्यकर्ता ने यहाँ तक कहा कि संजय राजौरा और उसकी पूरी टीम को मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अपनी देवी और देवताओं के खिलाफ अपमान सुन नहीं सकता और उन्हें अपमानित होते देख नहीं सकता। सोशल मीडिया पे संजय राजौरा का इस समय विरोध चल रहा है, इस समय उनके खिलाफ लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि संजय राजौरा बहुत अच्छे हास्य कलाकार हैं, उनकी पटकथा हास्य में बहुत अच्छी लिखी जाती है, वो बहुत अच्छा लोगों को गुदगुदाते हैं, ठहाके देने का मौका करते हैं, और हास्य ऐसी चीज़ है भी, लोगों को ठहाके देने के लिए अवसर मौका देने की ज़रूरत है भी। लेकिन संजय राजौरा से मेरा निवेदन है, आग्रह है, जरा आपकी कलम अच्छी तरह से चलती है, जरा आपकी कलम में हास्य निकलता है, जरा आपके दिमाग में क्रिएटिव माइंड आता है और गुदगुदा सकते हैं, हास्य निकाल सकते हैं, तो फिर आप जरा दूसरे धर्मों के बारे में भी जरा निकाल कर दिखाइए, तब मैं आपकी कलाकारी मानूंगा, तब मैं आपके क्रिएटिव माइंड को मानूंगा, तब मैं आपके टैलेंट को मानूंगा कि आपका कितना बड़ा टैलेंट है। एक बार, सिर्फ एक बार किसी अन्य धर्मों के बारे में भी आप मजाक बनाकर दिखाइए, तब आपका माइंड में जानूंगा, तब आपको जानूंगा कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। साथियों, द न्यूज नॉन स्टॉप चैनल इस तरह से आप लोगों को जागरूक भी करता है, न्यूज के बारे में बताता भी रहता है। संजय राजौरा के बारे में आपका कैसा ख्याल है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर सूचित करिए।